इनेलो के कर्ता धर्ता ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई के बाद से इनेलो पार्टी राजनीति में ज्यादा सक्रिय हो गई, या यूं कहें कि इनेलो की डूबती नैया को पार लगाने के लिए ही ओम प्रकाश चौटाला रिहा हुए हैं। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफी सिंह राठी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और आगे की रणनीति पर चर्चा करते हुए कहा कि इनेलो पहले की तरह ही एक मजबूत संगठन है। इसके साथ ही उन्होंने बागी हुए नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि जिसने जाना था वो चला गया, अब तो बस लोगों का आना बाकी है। साथ ही उन्होंने विपक्षी पार्टियों को भी आड़े हाथों लिया। सबसे पहले चौटाला साहब ने ये कहा है कि सबसे पहले तो किसानों के बीच में जाएंगे और किसानों की लड़ाई इंडियन नेशनल पर पार्टी लड़ रही है, शुरू से लड़ती आई है। चौधरी जिला जी की बनाई हुई पार्टी है, आदरणीय चौटाला साहब द्वारा शिक्षित संघर्ष की बदौलत थे ये पार्टी आज उतनी मजबूती की तरफ अग्रसर है जितनी लगभग 1.5 साल पहले थी। अब लगातार इंडियन नेशनल पर पार्टी में बहुत लोगों का आना जाना आना शुरू हो गया है, जाना शुरू नहीं है। जाना था वो तो चले गए थे, अब तो आने आने हैं। और अब चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के 10 दिन पहले प्रोग्राम थे, यहाँ जजर भी आए थे, उनके प्रोग्राम पिछले महीने की 17 तारीख से वो 30 तारीख तक चले थे। पूरे हरियाणा के हर डिस्ट्रिक्ट में उनके मीटिंगें हुई थी और कोई जिला ऐसा नहीं था जिस जिले में 50, 100, 150, 200, 300 लोग पार्टी में शामिल ना हुए। तो पार्टी अब प्रगति की तरफ अग्रसर है, क्योंकि जे जे पी और बीजेपी इन पार्टियों का ग्राफ सुनने पर चला गया, लोग इनको गांव में घुसने नहीं देते। कांग्रेस में आपसी कलह बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और आज ये हालत हो रही है कि कांग्रेस टूटने के कगार हरियाणा। इसके साथ ही उन्होंने पंचायती चुनावों पर बोलते हुए कहा कि बीजेपी जेजेपी पार्टी डरी हुई है, इसलिए वो प्रदेश में चुनाव करवाने से घबरा रही है। पंचायती चुनाव सरकार जानबूझकर नहीं करा रही है, कोरोना का बहाना लेकर के टाल दिया, जबकि कोरोना में तो 5 स्टेट के इलेक्शन भी हुए, उसमें कोरोना नहीं था क्या? इसलिए डरे हुए हैं कि हरियाणा में जेजेपी और बीजेपी पार्टी के खिलाफ लोगों ने मन बना लिया कि कोई सा चुनाव आएगा तो इनको बाहर करेंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर गृह मंत्री अनिल विज द्वारा किसानों के विरोध में दिए गए बयान को लेकर नफे सिंह राठी का कहना था कि ये सब बीजेपी की एक सोची समझी चाल है। हरियाणा के गृह मंत्री श्री अनिल विज ने एक बयान दिया था कि गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने बदसलूकी की दलितों पर। वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, बीजेपी का एक MLA है, उनके साथ वो लोग गए हुए थे, वो किसानों को वहाँ से खदेड़ने का प्रयास कर रहे थे। किसानों ने उनको खदेड़ दिया, बता दिया, तो वो तो उनको खदेड़ने के लिए गए थे, शरारत करने के लिए गए थे बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ। तो उसका बयान दे रखा था साहब ने, मैंने पढ़ा था अखबार में, उन्होंने कहा था कि भाई ये दलितों पर उन्होंने अत्याचार किया है। अत्याचार तो कोई किया नहीं था, बल्कि किसानों के ऊपर अत्याचार करने के लिए वो लोग। नफी सिंह राठी का कहना है कि बीजेपी कभी जाति के आधार पर तो कभी किसानों को आपस में लड़ाकर किसान आंदोलन को कमजोर करना चाहती है। भाजपा इस तरह के पैंतरे अपनाकर राजनीति कर रही है और अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है, लेकिन आज युवा और किसान सभी जागरूक हैं। इस संगठन सरकार के राज में प्रदेश में तो ना तो अपराध कम हो रहा है, ना ही महंगाई, आम आदमी में त्राही त्राही मची हुई है। झज्जर से जगदीप राज जैन की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।